ओके ऑलराइट सो आपने एला थीम को डाउनलोड किया और जैसे मैंने कहा था कि के वी कैन डाउनलोड द थीम्स और उसके बाद जो है हम उनको कस्टमाइज कर सकते हैं तो हमारे पास इस वक्त एला थीम है जो करंट थीम यू हैव बीन यूजिंग तो हम अभी इसी को आगे फर्दर देखते हैं कस्टमाइज के ही ऑप्शन पे जाएंगे व्हाई इट्स नॉट वर्किंग अच्छा जी रीलोड कर दिया है और अब उसने एक्सेस दे दी है ओके तो सबसे पहले तो हमारा जो ये है इसमें इशू आ रहा है कि इसकी जो व्यर्थ है सारी वो ये व्यर्थ जो है वो कम नहीं हो रही है और देखते हैं हम इसका लोगो थोड़ा सा अगर चेंज कर दें या उसकी साइज चेंज कर दें तो क्या हो सकता है साइज लोगो का साइज ट्रांसपेरेंट नहीं है ये और बड़ा हो गया है देखिए ये वाइट बैकग्राउंड के साथ है शायद इस वजह से ओके अगर हम ये यूज करके देखें ये थोड़ा छोटा हाँ इट्स 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 रियली अबाउट द हाइट एंड वर्थ ऑफ एनकॉम स्टोर का ये वाला लोगो क्योंकि मुझे याद है अगर हम इसको स्मॉल कर दें तो ये इस जगह पे शायद फिक्स हो जाएगा और फिक्स होने के बाद यहाँ से ये ठीक भी हो जाएगा लेकिन यहाँ पर नीचे भी आ रही है दैट्स गुड अच्छा जबरदस्त आप ये लेफ्ट साइड पे देखे तो उसने लिखा भी हुआ है कि आपके लिए जो रिकमेंडेड है ना वो क्या है वो टू फिफ्टी पिक्सल इन टू एल का लोगो होना चाहिए तो अगर हम लोगों को डायमेंशन जो है वो जहाँ पर पिक्सल्स में उन्होंने बता दी है तो हम फिर वो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो फिट हो जाएगा और ये शायद इसीलिए रिकमेंडेड बता रहा है क्योंकि उसको आइडिया हो रहा है के समथिंग इज नॉट फाइन हेयर तो ये आप नोट डाउन कर सकती हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपने ग्राफिक डिजाइनर से चेंज करवा देंगे और इट विल बी फाइन ठीक है अच्छा अगर हम इसको यूज रेटीना लोगो से हटाएं तो लोगो इज यूज वटीना एक्सप्लोर फ्री इमेजेस तो वो अभी अच्छा आपने रेटीना से बनाया होगा इसीलिए वो ये बात कर रहा है ठीक है ओके तो ये इस तरह सेट हो गया अब अगर हम नीचे आ जाएं और हेडर टॉप डिस्प्ले हेडर तो क्लिक करें तो इसकी टॉप गायब हो जाएगी जो कि हमें शो करनी है अब यहाँ पे रही हैं कि जो हमने सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए यूज किया था थीम उसके अंदर जो चीजें थी वो डिफरेंट डिफरेंट थी तो उसमें मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई थी लिहाजा हम उसको उसके हिसाब से कह रहे थे अब यहाँ पर जो चीजें हैं वो तो थोड़ी सी डिफरेंट है जिसकी वजह से हमें हर एक जो भी थीम होता है उसको देखना होता है अंडरस्टैंड करना होता है और उसको ट्राई करना होता है कि वो क्या कह रहे हैं क्योंकि चीज़ें अंडू हो सकती हैं इस वजह से ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं होती अच्छा जी फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान आ गया आपने लिखा है और उसके बाद शॉप नो है वो भी आपने लिखा है और उसने इसके साथ लिंक आपने आल कलेक्शन का दे दिया क्योंकि इस वक्त हमारे पास वही था बैकग्राउंड में आपने जो कलर लगाया है लेमन येलो सा ठीक है अगर आप चाहें तो यू नो यू कैन चेंज दैट और इसी तरह टेक्स कलर आपने ब्लैक रखा है इफ़ यू वांट टू चेंज वो भी चेंज हो जाएगा अच्छा जी हेडर बॉटम वाइट कलर की है ये सारी अच्छा अगर हम इसको यही कलर दे दें तो फिर ये जो चीजें हैं ना ये वाइट हो जाएंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा हम्म सही है लेकिन आप इसके डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं इफ वी वांट तो हम हैडर का डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं पर क्योंकि लोगो इस वक्त ट्रांसपेरेंट नहीं है इस वजह से हम इसको फिर नहीं छेड़ते ऐसे देते हैं ओके okay, उसके बाद डिस्प्ले हेडर टैक्स ऑर्डर इसको अगर हम चेक करें तो ये गायब हो गया ये जो यहां पर आपने कहा था कॉल अस वाली बात है अगर आप इसे गायब करना चाहती हैं तो आप डिस्प्ले हेडर टैक्स ऑर्डर के ऊपर जो है अनचेक कर दें इट विल बी गॉन तो वो आपने अगर रखना है तो आप रख लें जैसे आपने रखा भी हुआ अगेन इसका कलर आपने ब्लैक रखा हुआ ओके okay, उसके बाद आप नीचे आ जाएं शो सर्च फॉर्म अगर इसे आप क्लिक करें तो वो गायब हो गया विच इज सर्च फॉर्म वैसे वो शो फॉर्म अच्छा भी नहीं लग रहा तो अगर हम इसे गायब भी कर दें तो सही है अच्छा ये आपकी चॉइस है अनिल तो आपने रखा हुआ है तो इसको रख लेते हैं अगेन उसका इसका भी पूरा कलर चेंज हो सकता है जैसे कि पीछे बैकग्राउंड में इसको भी हम अगर येलो कर दें तो ये येलो हो जाएगा और इसकी तरह से हमारा अच्छा लग रहा है येलो भी तो ये इस तरह से चेंज हो गया अच्छा इसके बाद हेडर फ्री शिपिंग इसके बाद ये जो है ये तो ऑलरेडी नो मिनिमम ऑर्डर ये वाली अच्छा ये लाइन है ये आपने शायद गायब की भी थी तो मैंने इसको ऑन कर दिया है तो वो डिपेंडिंग अगेन कि आपने इसको रखना है या नहीं रखना है अच्छा जी उसके बाद आप आ जाए शो ड्रिप डाउन होवर ऑन द दॉ क्लिक ऑन द काट अगर हम क्लिक ऑन द काट करें तो वो जो कॉट आ रही है उसके ऊपर क्लिक होगा और हावर नीचे डाउन हो जाएगा यहाँ तक तो ये हो गया ठीक अब सवाल आपका ये है कि इसका ये इंग्लिश और एच यू एफ क्यों नहीं गायब हो रहा पूरे थीम में यहाँ पर इसके बारे में ये लिंक इसका मतलब है कि नहीं जा रहे क्योंकि इसमें यहाँ नहीं दिया हुआ है राइट ये किस चीज में आएंगे

राइट सो right. so, आपने जब देखा उसके जो बिल्कुल नीचे था अगेन कहाँ पे यस yes. हम जब ऊपर से नीचे सारी सेटिंग करते हुए आ रहे थे तो उसके नीचे आगे थीम सेटिंग लिखा हुआ था थीम सेटिंग के डाउन में उन्होंने दिया हुआ था अनेबल मल्टी लैंग्वेजेस जो कि मैंने जब किया तो यहाँ पर आ रहा था जो ऑप्शन इंग्लिश थी या पता नहीं शायद कोई और थी ठीक है ये वाली तो मैंने इसको अनचेक कर दिया तो वो भी गायब हो गया और अलाउ शॉपर टू प्राइस इन देयर ओन करेंसी तो हमने उसको भी अनचेक कर दिया तो वो भी गायब हो गया तो ये अब आपका सारा आपके हिसाब से यहाँ पर ऐड हो गया ठीक हो गया यहाँ समझ आ गया आपको अब ये हो गया हमारा कंप्लीट अब हम उसके बाद आ जाते हैं नीचे ये वाला अब आपका थोड़ा सा चल रहा था इशू About... इसकी अच्छा जी हम आ जाते हैं स्लाइडर स्लाइड शो पे अब स्लाइड शो का आपका टाइम यकीन देखा होगा कि आपका ये जैसे चेंज हो रहा है तो ये एवरी फोर सेकंड में होना चाहिए एवरी फाइव सेकंड में होना चाहिए या फिर जल्दी जल्दी एवरी थ्री सेकंड में उसको मूव करना चाहिए तो ये अगेन वही बात है कि हमें क्या चीज अच्छी लग रही होगी हम अपनी वेबसाइट पर जाके इस चीज़ को नोट कर सकते हैं उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन के एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की जो ट्रांजिशन आ रही है वो क्या आ रही है तो वो फेड है या वो स्लाइड है अगर हम स्लाइड कर दें तो उसमें वो हमें इस तरह से स्लाइड दे रहा है बल्कि हम यहाँ मेन पे जाके देखते हैं सेव करके इसको कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है तो यहां आप और लाइट और फेट फेड से क्या हो रहा था मुझे तो नहीं फील हुआ कोई खास दोबारा देख लेते हैं

आ रहा है नेविगेशन का कलर हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा है slider, हाँ, ये जो, है, right. ये जो पे ये ये आ रहे हैं नेविगेशन है तो उसकी वो बात कर रहा है कि आपने कौन सा कलर देना तो अगेन अगर हम इसको अगर अपनी वेबसाइट के हिसाब से कर दें तो लेट सी ये कैसा यहाँ पे फील होता है डू यू सी मैंने साइड पे ये अपनी वेबसाइट जो है वो खोली हुई है तो ये है तो मुझे इस तरह यहाँ से देखना और व्हील करना ज्यादा बेहतर लगता है तो ये कलर अच्छे लग रहे हैं नेविगेशन का सेम हमारे जो ऊपर आपने मेन लोगो दिया हुआ है मेन सॉरी कलर दिया उसके हिसाब से अच्छा जी अब यहाँ पर वो आपको कुछ बातें बता रहे अगर आप देखें फॉर बेस्ट रिजल्ट अपलोड इमेज अब यहाँ से भी आप अगेन नोट कर सकते हैं जैसे आपने कहा मैं बनवा लूंगी तो बनवाने में आप एटीन एटी इंटू सेवन फिर ट्वेंटी पिक्सल्स का ऑलरेडी अपने कस्टमर को सॉरी uh, अपने ग्राफिक डिजाइनर को बता दें क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर से जब हम काम कराते हैं ना जो मेरा एक्सपीरियंस है बास्ट मेरे जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं दे हार्डली नो द और ऑफ ऑल दिस शॉपिफाई बिकॉज ज्यादातर उनका काम अमेजोन पे होता है या दूसरी जगहों पे होता है तो यहाँ पर आपको उसने बता दिया तो आप ये उनको दे, दे देंगे तो वो एग्जैक्ट आपको बना देगा फिर उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि यू कैन एडजस्ट हाइट ऑफ वीडियो जो आपने शायद तो रिमूव कर दिया है तो उसकी वजह से वो कह रहा है कि वो भी आपकी अगर आपने करनी है तो वो इस परसेंटेज से इस परसेंटेज में हो अगर वो बनवानी हुई जो कि ग्राफिक डिजाइनर बना भी देते हैं तो वो तब आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं वीडियो आपने अनेबल नहीं की हुई इसलिए वो ये हम ऑटो प्ले और ये सारी चीजें नहीं कर सकते ठीक है अब यहाँ पर ये कम्प्लीट हुआ अब यहाँ सवाल आता है कि बैनर को अब हमने देखना है नहीं कलेक्शन को नहीं देखना बैनर को देखना अभी प्लीज यहाँ सर क्या कर दिया हाँ जी ये अच्छा जी स्लाइड शो स्लाइड शो में आपने चार पांच इमेजेस सेलेक्ट किए हैं और उसमें से आप कह रही हैं के जो इमेज है ये वाला ये तो ठीक है फुल लेंथ है ये भी फुल लेंथ है शायद ये वाला हाँ ये फुल लेंथ नहीं तो ये फुल लेंथ नहीं होगा ना यहाँ देखें आप ऑलरेडी ऊपर जो पिक्चर आ रही है उसमें भी पता चल रहा है आपको उसके इधर का और इधर का जो पोर्शन है वो नहीं होगा क्योंकि ये इमेज ऑलरेडी छोटा है अगेन तो आपने इस इमेज को जो छोटा है उसको सेंटर भी करेंगे तो सेंटर रहेगा लेफ्ट और राइट करने का फायदा नहीं तो वो हमें इसको चेंज ही करना पड़ेगा और उसके लिए अगेन हम फ्री इमेजेस एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइब्रेरी से ले सकते हैं हम अगर आप यहाँ पे करें तो लेदर बैग भी है ना क्लचिज है तो हम क्लच करके देखते हैं शायद हमें वो मिल जाए क्लच आज के स्पेलिंग गलत लिख रही है मैंने शायद बैग्स लिख ले मेरे को बैग नहीं नॉट दिस बैग और ये भी अच्छा लग रहा कहा गया वो बैग ओहो तो वहां से गायब हो गया इससे गलत आ गए हैं ये वाला है चेंज है ओके इमेज है ये सारी चीजें टाइम तो तो करके क्योंकि ये सारा स्लो स्लो प्रोसेस होता है इस वजह से इसमें टाइम तो फिर लगता है सेलेक्ट करके देखें ये फुल फुल्थ पे आ रहा है इसको सेव करके देखते हैं यहां से देखते हम्म ये फुल में आ गया ठीक है जितनी आपकी बैनर की हाइट है उसमें अच्छा जी अब इसमें क्या है सेंटर लाइन तो ये है हेडिंग इसके ऊपर जो आपने देनी है शायद उसकी बात कर जैसे वो आ रही है आपने सबके ऊपर हेडिंग नहीं दी हुई इसमें नहीं आ रही हेडिंग इसमें इसमें आ रही है, है और इसमें भी शायद नहीं आ रही है और इसमें आ रही है आप आपने ये भी देखना है कि अगर मिसाल ले रही हूं कि ये इमेज आप लगाओ तो इस इमेज में आप देखो इसका पीछे कलर अब नहीं मैच हो रहा ना वो वो नजर नहीं आ रहा तो आप कोशिश करें कि इसका कलर यहाँ वाइट कर दें अब वो कैसे करते हैं हम देखते हैं अब ये आपने हेडिंग दी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ठीक है तो इसका जो कलर है वो यहाँ से हम चेंज करके वाइट करके देखते हैं कि कैसा लगेगा वाइट तो अपने पहले भी दिया होगा लेकिन okay. इसके ऊपर वाइट कैसा लगेगा वो देखते हैं hmm. हाँ वाइट भी इतना ज्यादा तो नजर नहीं आ रहा देखा आपने वाइट भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये हमें इसके ऊपर कलर का कोई और अच्छे से है आप आप खुद कीजिएगा ठीक है कि आपने अपने बैनर्स के ऊपर के जो ये देख रही है बेस्ट क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा तो ये आपने खुद से कलर देख के देखिएगा सेट करके कैसा अच्छा लगेगा उसके बाद हेडिंग का फॉन्ट है चालीस है तो हेडिंग का फॉन्ट भी बड़ा कर सकती हैं आप जैसे कि उन्होंने वैसे तो चालीस ही दिया हुआ लेकिन मे मेबी वो अच्छा ना लग रहा हो तो आप पचास करके देख लें कि कैसा लगेगा तो वो आप थोड़ा सा उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिएगा लेकिन फिर सबकी एक जैसी रखिएगा यानी अगर फर्स्ट बैनर के ऊपर एक है तो दूसरे बैनर के ऊपर भी वैसे ही रखिएगा ठीक है सब हेडिंग जो है वो इसकी तो सब हेडिंग शायद है ही नहीं जिस इमेज पे अभी हम काम कर रहे हैं ये हाँ इसकी सब हेडिंग नहीं है तो अगर सब हेडिंग देनी हुई तो वो फिर अगेन वही यहाँ सब हेडिंग और उसका कलर चेंज हो जाएगा और ओके सब हेडिंग का फोन बारह है तो वो भी आप फिर अगर इसको दस बढ़ाया तो वो उसको उस हिसाब से देख लीजिएगा स्लाइड बटन में आपने लिखा शॉप न और इसके नीचे पीछे से ही लिंक लग जाएगा प्रोडक्ट्स का वो जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो हम यहाँ ऑल प्रोडक्ट्स अभी करके हमने इसको कर दिया सेव अब यहाँ एक सवाल है और वो ये कि मैं नहीं चाह रही मुझे ये इसकी बहुत ही ज्यादा वर्थ लग रही है इन सब की ये कम होनी चाहिए एंड हाउ

अच्छा शायद इसलिए क्योंकि जो इनका अपना थीम होता है उसमें आप इन बैनर्स की हाइट को एडजस्ट कर लेते हो लेकिन मुझे लग रहा है इन्होंने यहाँ हमें अभी ऑप्शन नहीं दिया इस चीज का हम यहाँ से जब ऐड करते हैं तो वो हमें हम फुल लेंथ का ही ऐड कर रहे हैं वो तो जाहिर है हमारी लाइब्रेरी में यहाँ चेंज नहीं होगा शॉर्ट होगा ये क्या ग्रेड है नहीं इसमें नहीं होगा यहाँ से चेंज होगा यहाँ से सेंटर लाइन होगा हेडिंग आ गई फ़ॉन्ट का साइज वो हमें दे रहा है आप चेंज कर सकते हैं लेकिन इनकी वर्थ नहीं दे रहा वो दैट इज नॉट गुड ये अच्छी बात नहीं है अच्छा चलिए यहाँ एक और चीज आपको, बता। आहे, गैस आपको बता है आपको पता बिल्कुल क्योंकि आपने खुद ही किया वीडियो को भी आपने खुद ही हाइड कर दिया तो अच्छा, मुझे नहीं इसकी समझ आ रही मेरा ख्याल है ये चेंज नहीं होगा इसी वजह से हम नहीं कर पा रहे अदरवाइज मैं इसकी बैनर की वेट थोड़ी कम कर देती इनके अपने में कम हो जाती है ये बहुत बड़ा है आप देखे आप, आप स्टार्ट से आओ तो ये इतना बड़ा इमेज है ये बहुत ही बड़े है तो यहाँ फिर ये है कि अगेन वही बात की अगर हम बनवाएं तो जो उन्होंने हमें आइडियल दी हुई है पिक्सल्स में हम अगर उसके मुताबिक चले तो शायद ये वाला हमें कम मिले तो क्योंकि हम फ्री यूज कर रहे हैं तो मे भी इस वजह से इन सारे के सारे बैनर्स की हाइट बेहतर है तो ये आपने फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेना है ठीक हो गया अब यहां से ये कंप्लीट हो गया ये आपका इशू सॉल्व हो गया ना कि एक इमेज छोटा आ रहा है वो एक इमेज असल में ना इसलिए छोटे आ रहे हैं क्योंकि हम फ्री यूज कर रहे हैं अब इसमें भी इन सारों की भी लेंथ बराबर नहीं हो रही होगी क्योंकि ये देखें ये वाला बैग बड़ा आ रहा है यहीं पे ये देखें, ये देखें छोटा आ रहा है और वो उससे आगे आगे वाला भी, आगे वाला भी भी उसके बराबर है उससे क्योंकि फ्री इमेजेस में वो हमें उसकी लेंथ uh, हाइट नहीं बता रहे लिहाजा हम इसको उस तरह जज नहीं कर पा रहे ठीक है आपको समझ आ रही है मेरी बात की चैट बॉक्स में बता दें रहे ठीक है अब उसके बाद हम नीचे आ गए नीचे आने के बाद हमारे पास ऐसे होना नहीं चाहिए नहीं हमें इसका ऑप्शन लेना चाहिए था फेड हो जाए बस इतना सा ही दे रहे हैं इसके अलावा हमें कोई इख्तियार नहीं दे रहे हाँ जी इसमें नहीं हमें उन्होंने ना किसी तरीके अगर आप इस स्लाइडर से हट के वैसे भी क्लिक करें इस बॉक्स को ठीक है स्लाइड शो को तो तब भी वो हमें उसमें से उसकी ये ऑप्शन दे रहा है स्लाइड का टाइम क्या होगा फेड होगी या नहीं या नेविगेशन का कलर और वो वैसे आपको बता रहा है कि आपका जो है वो ये है तो ठीक है वो फिर हम उस तरह नहीं कर पाएंगे अच्छा जी अब हम नीचे इस ब्लॉक पे आ जाते हैं थ्री बैनर ब्लॉक ठीक है थ्री बैनर ब्लॉक के ऊपर उसने हमें दिया हुआ है क्या डिस्प्ले टाइम डिले सॉरी टाइम डिले तो ठीक है इसके बाद यहाँ आ जाए तो वो यहीं से चेंज होंगे थ्री बैनर में भी डिफरेंट इमेजेस हैं जो कि आपने अकॉर्डिंग टू दैट किया हुआ है यहाँ पर उन्होंने हमें कोई वैल्यू दी हुई है नहीं दी हुई बैनर का हेडिंग का साइज ही दिया हुआ है ठीक है इट्स ओके अब यहाँ पर आपने ये इमेज भी फ्री यूज किया होगा तो वो ये इस वजह से यहाँ पर ये क्योंकि साइड से हाल ही था तो वो इस तरह से साइड से हाल ही आ रहा फुल फुल कवर नहीं किया हुआ लेकिन ये भी ठीक ही लग रहा है उसके बाद ये वाला इमेज ये सारे के सारे यहाँ से चेंज होंगे दैट सीम्स फाइन अब इमेज के पीछे का लिंक देखते हैं ये चेंज हो गया विर्थ इसकी अच्छा आ रही है बल्कि ये देखें। ये वाला जो इसके आपको बॉक्स दिया हुआ है ना इसके ऊपर आपको बताया कि आपकी जो विर्थ है देखे हम जब काम करेंगे तब भी तो आप उसके हिसाब से फिर बनाइएगा ठीक है आपने हेडिंग तो दी नहीं कोई लिजा वो आ नहीं रही और यहाँ लिंक में ये देखना चाह रही थी कि जब हम इधर आते हैं लेट्स सी तो यहाँ आने के बाद हम यहाँ पर इधर आए तो ये सिंपल इमेजेस है अब यहाँ इन सिंपल इमेजेस के ऊपर आप लिख सकती हो फॉर एग्जाम्पल ये आपने क्लच लगाया तो आप इसके ऊपर लिख सकती हो क्लच बाय नो जैसे नीचे आ जाओ तो यहाँ आपने लिखा ना क्लच तो क्लच के ऊपर शॉप ना हुआ हैड बैग पे अच्छा मेन वॉलेट है तो ऊपर लेडी वॉलेट लगाया हुआ है अच्छा कोई नहीं तो उसके ऊपर शॉप ठीक है, है तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि कि ये ये सिंपल सिंपल इमेजेस है है तो लग रहा बस इमेज ही लेकिन हम इनको क्लिक केबल आइटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसको क्लिक करें तो क्या वो कैसे होगा वो अगेन आपने देखा कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारे पास बॉक्स है यानी इसको मैंने अब क्लिक करना तो क्लिक करने से मैं मेन इमेज पे ही आ रही हूँ लेकिन मेन पेज पे तो इसको अगर करना है तो यहाँ पर आप आ जाएं और इसका नीचे लिंक पेस्ट कर दें लिंक में क्या होगा जब हमें कलेक्शन बनाई होगी जो मैं आपको भी बनाना सिखाऊंगी तो उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली जो है वो अपना ऐड कर सकती हैं प्रोडक्ट जो भी करनी है अच्छा जी तो यहाँ से और प्रोडक्ट्स हो अगर कलेक्शन होगा तो वो हम बैग का कलेक्शन के यहाँ पे लगा देंगे फिर वो हमें वहाँ ले जाएगा अच्छा अगर हम यहाँ पे कोई हैडिंग लगाना चाहें जैसे मैंने आपको कहा तो अगर वही हम हैडिंग लगाए बैग पैक लिख देते हैं बैग पैक ठीक है बैग पैक हो गया स्लैश बैग पैक्स ठीक है इसको कह दिया हमने सेव हाँ जी ठीक है जबरदस्त हो गया ये लें। ये आपने इस तरह जरूर कर लेना है क्योंकि ये इस तरह हाल ही अच्छा नहीं लगेगा तो अगेन हम इसके ऊपर सारे क्लिक अब उसमें ये है कि इसके ऊपर पढ़ेंगे कि ये क्या है और वो इसको क्लिक करके दे कैन जस्ट जम्प इन टू दैट पर्टिकुलर का अच्छा इसमें एक और मजे की बात है इस एला के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे चीजों को सेल करने के यानी अगर अभी लेदर में आई डोंट नो बिकॉज मैंने अभी वो काम आपको स्टॉप करा दिया है फर्दर लेकिन अभी हमने जो जितने अपने कंपेटिटर स्टडी किए हैं ना आपने मुझे उनका लिख के भी देना है अभी सारा मैं आपको आज बताऊंगी कि किस कौन कौन क्या क्या, क्या कैटेगरी सेल कर रहा है और उस कैटेगरी के हिसाब से आपने क्या सोचा कि आप क्या सेल करोगे ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप स्टोर डिजाइन करते हुए अपने कंपेरिटर के हिसाब से स्टोर डिजाइन करती जाओ आपको बहुत आसानी होगी और आपको समझ भी आएगी और दूसरा ये भी कि जब हम प्रोडक्ट सर्च करना शुरू करेंगे जब मैं आपको उस तरफ लेके जाऊंगी तो हमने तब वहां से देखना है कि हमारी प्रोडक्ट की सक्सेस uh, कितनी है ठीक है ना क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट हंटिंग हम जब करते हैं तो हमने उसमें अपना फेलियर और पासिंग रेशियो देखना होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स तो फिर तब जब आपने अपने कंपेटेटर स्टडी किए होंगे और आपने मुझे बताया होगा कि जी मैंने फॉर एग्जाम्पल ग्लासेस सेल करने हैं हेड सेल करनी है वॉच सेल करनी है शूज सेल करने हैं है। तो फिर जब हम आपकी आपके दिए हुई साइट के हिसाब से चीजें सर्च करेंगे तो वहां से हमें आसानी होगी चीज़ों को एड या रिमूव करने में ठीक है अच्छा अब ये बैक पैक्स है तो ये हो गया अब इसके बाद इसकी हेडिंग वही बात की अब देखें इसकी वाइट शर्ट के ऊपर ये वाइट बैक अच्छा नहीं लगा तो वो अब आपने कलर्स का जो चुनाव है वो आपने अपनी अब ये येलो उसकी बाजू ये पीछे के पीछे छुप के अच्छा नहीं लग रहा रेड तो खैर मुझे सिरे से ही नहीं पसंद तो इस पिंक पी, पिंक बहुत डिम हो जाएगा और ब्लैक अच्छा इसमें आपको मैंने बोला था ना आप डिफरेंट डिफरेंट करेंगे तो आपने वो करने हैं अभी आपने मैं देख रही हूँ आपने एक सिर्फ ये कलर ऐड किया और एक और इम्पोर्टेंट बात रोज क्लास होना जरूरी नहीं है नाशरा रोज क्लास होना जरूरी नहीं है आप जितना करें वो आपको आना चाहिए मैं हर नहीं चाहती कि अमेजोन की तरह आप पढ़ो और उसके बाद आपको जब चीजें प्रैक्टिकली करने लगो तो आपको क्यों हो नहीं अब नहीं हो रहा मुझसे वो उसकी क्या वजह थी पढ़ा वो भी ठीक ही होगा आपने पर प्रैक्टिस इज द मेन की तो हम अगर लेक्चर या हम अपना कोर्स कंप्लीट करने के पीछे भागना शुरू कर देंगे तो आपको एंड पे चीजें समझ नहीं आएंगी या फिर समझ तो शायद आ गई होंगी ये कोई इतना मुश्किल नहीं है लेकिन क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आपको पता नहीं होगा मेरे पर्सनल मतलब मैं अगर आपको जो कि मैं आपको यकीन अभी थोड़ा सा ढीला भी छोड़ा हुआ है कि कोई बात नहीं आप इस तरह से चलो नहीं तो मैंने अभी आपको यही कहना है कि आप इस पैलेट के अंदर कम अज कम भी कम अज कम, कम भी आठ से दस कलर्स ऐड करें डिफरेंट इसके अंदर डाल के ठीक है कोड्स उससे क्या होगा जब आप अपनी साइड बनाना शुरू करोगे तब वो बड़ा मजा आएगा कि अच्छा यार ये कलर कॉम्बिनेशन है और फाइनली मेरी वेबसाइट के ऊपर ये चार कलर कॉम्बिनेशन फिट बैठ रहे हैं और आप किसी और की भी बनाना शुरू करोगी तो आपको पता होगा कि ये ये कलर कोड्स हैं ये मेरे पास पड़े हुए हैं वट आई नीड टू डू आई जस्ट नीड टू सी द कोड एंड एम्बेड इट ठीक है अब जितनी मेहनत यहाँ कर लोगी कोर्स लेते हुए उतनी आसानी आपको बाद में होगी देर आर टू काइंड ऑफ माइंड सेट्स यहाँ मैं आपको अगेन बता रही हूँ कहने को आप ये कह सकती हो कि यार ये इतना मुश्किल नहीं है मैं जो सीख रही हूँ इट्स नॉट मुश्किल मुश्किल नहीं है यू आर राइट बट प्रॉब्लम इज योर प्रैक्टिस मैंने आपको कलर कोड्स का उस दिन बताया आपने लगा जी मुझे पता है लेकिन आज में जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने कलर कोड्स में शायद एक ही कलर ये वाला रखा हुआ है वाई You should have at least have more options, jar punch options. पिक्चर के ऊपर बैठ सके और वो एक पर्टिकुलर किस्म की उसमें भी हारमनी में भी हो ये नहीं कि एक रेड है एक ब्लैक है ये है तो नो जैसे उन्होंने पूरा पूरा वो एक आपको आपके पास आपने स्टडी की हुई है चीजें तो ये मेहनत अब आप यहाँ करें बजाय इसके कि आप ये सोचेंगे मैं महीने में कोर्स खत्म करके बल्ले बल्ले करूं और उसके बाद मैं अम फिर दो महीने लगाती रहूं मतलब आप बाद में भी तो बैठ के काम करती रहेंगी ना तो तब आपको उस तरह से मेरी सपोर्ट नहीं हो पा रही होगी Of course I will, but जिस तरह अभी मैं आप काम करके आती हूँ मैं देखती हूँ समझती हूँ और मैं आपको रिप्लाई दे रही होती हूँ लेक्चर में वैसा वो तब नहीं होता तो लिहाजा इस वक्त का फायदा उठाए और चीजों को अगा दौड़ पीछा छोड़ नहीं करें आप दो दिन में वेबसाइट बना के खत्म करना चाह रही हैं जो कि मैं नहीं समझती है ठीक हो गया तो अब आपने यहाँ पर एटलीस्ट आठ कलर पैलेट ऐड करनी है ताकि ये जो एक दो तीन चार पांच इमेजेस है इसके ऊपर जब आप यहाँ पर हेडिंग्स लगाएं तो उसके हर इमेज के ऊपर की हेडिंग का कलर उसके बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा हो ताकि वो खूबसूरत लगे और वो हारमोनी में भी हो आपको मेरी बात समझ आएगा चैट बॉक्स में मुझे बता दें अच्छा जी वाइट वाला भी सही लग रहा था वैसे बैक बैक्स अच्छा जी यहाँ से हो गया हमारा और अब हम यहाँ से दोबारा जाते हैं मेन पेज पे ओके जी आ हमें वापस जाना है ओके okay, तो ये अब आपने ये देखना है ठीक है इसको हमने एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स आई जस्ट यू यू और विद पीछे जो लिंक्स वो मैंने आपको बता दिया कैसे लग जाएंगे अब इससे नीचे हम आ जाते हैं इसको जरा एक दफा देख लेते हैं ये थोड़ी गड़बड़ सी हुई हुई है इसका जो साइज है वो पूरा फिट यहाँ बैठ रहा है ये इमेज में तो पूरा फिट बैठ रहा है लेकिन यहाँ पूरा फिट नहीं बैठ रहा क्या ये हमें अलाउ करेगा कि हम इसको छोटा या बड़ा करें नहीं करेगा अच्छा चल कोई बात नहीं आपने ये देखा यहाँ भी आपके कलर हार्मोनी कितना डिफरेंस है कि ये आगे सारे जो भी कलर्स एंड डार्क हैं, और आपका जो ऊपर आपने ये खूबसूरत सा लिखा है ये सारे का सारा ब्लैक में तो वो अगेन वही बात कि ये आप देखें इसको वाइट में करना है जो जो भी वाइट में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा रेड में रेड में भी नहीं नजर आएगा ये इसके कलर्स आप ना देख लीजिएगा ठीक है इसी तरह से जब इसके नीचे आ जाओ तो टाइटल के बाद जो बाकी डिस्क्रिप्शन है वो भी नजर नहीं आ रही तो वो भी हमने इसको और ये बहुत छोटी है ये डिस्क्रिप्शन बहुत स्मॉल लग रही है मुझे इसको थोड़ा सा डार्क होना चाहिए और थोड़ा बड़ा होना चाहिए इसकी क्या वजह है इसका हम थोड़ा कम कर देंगे आज आपने इतनी लंबी बातें की है अगर हम इन बातों को थोड़ा सा छोटा कर दें नहीं जी ये देखें अब यहाँ पर आपने मैंने क्लिक किया तो उसने फौरन आपका रेड कर दिया अंडरलाइन ठीक है अब मुझे आपने एक बात नहीं कल से सके नहीं आप जब मैंने आपका काम चेक कर रहे हो ना हमने मुझे ये नहीं कहना मेरे पास टाइम कम था इसकी वजह से मैंने ये और नहीं किया टेक योर टाइम टेक वन डे टेक टू डेज लेकिन आपने जो करना है वो परफेक्ट करके देना ये जो बीच में मुझे सख्त मैं क्योंकि स्पेलिंग्स और लैंग्वेज मुझे बहुत ही वो लगती है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है प्रोफेशनल दुनिया के अंदर और आपका भी यकीन है क्योंकि आप भी ऑलरेडी फाइवर फाइवरक पे काम कर चुकी हो कि लैंग्वेज बेटर तो उसके अंदर ये फेवरेट के स्पेलिंग्स ठीक है और ये पता नहीं ये किसके स्पेलिंग है जो उसने ऐसे किया हुआ तो ये आपने छोटी छुड़ छोटी गलतियां नहीं करनी ओके okay? मैं डांटूंगी बहुत अच्छा जी तो छोटा करने से भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी हेडिंग ही इतनी छोटी है उफ ये क्या ये तो अच्छी बात नहीं है ये जो हमें बड़ा छोटा नहीं ना करने दे रहा ये कुछ मुनासिब नहीं है नीचे आ जाओ नजर नब ये है कि अगर इसके कलर थीम इस तरह से किया जाए यहाँ तो इमेज पीछे से चेंज हो जाए या इसके ऊपर फिर शायद इतना भी छोटा नहीं लग रहा लेकिन इस पे ना बहुत ज्यादा डिटेल्स मत दीजिएगा कीप इट शॉर्ट ताकि वो नजर आए और कलर का स्कीम चेंज हो जाएगा तो फिर ये मुनासिब हो ही जाएगा मुझे लगता है अच्छा जिसके बाद शॉप द कलेक्शन और ये है और यहाँ से ये आपने इसके पीछे लगाया होगा अच्छा जी ठीक है सही है ब्लॉक बैनर ये आना है हाँ जी सही है बुरा तो नहीं लग रहा ठीक है तो ये इसके पीछे का इमेज भी चेंज करके देखिएगा एक दो और ट्राई करके देखिएगा कि अगर ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो विर्थ है ना वो पूरी हो जाए तो अच्छी बात ही है अगर वाइज गुजारा यहाँ पे पूरी नजर आ रही अच्छा ये पीछे वाइट है ना इस वजह से लेकिन ये फिर ये इसके ऊपर नहीं आ रहे इस वजह से ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है अच्छा चलो खैर नीचे आ जाते हैं अब आपने ये फीचर प्रोडक्ट्स हैश टैग फीचर प्रोडक्ट्स में लिखा हुआ भाई हैश टैग फीचर वाई यू है वर्ड है बगैर नहीं सही रहेगा अच्छा जी एन कॉम स्टोर ये अच्छा आप एन कॉम स्टोर को पूरे का पूरा बड़ा ही लिखना चाह रही हो ये आपने एक बात देख लेनी है फॉर एग्जाम्पल आपके लोगो में एन कॉम स्टोर में ए एन बड़ा है और कॉम स्टोर छोटा है ठीक है तो अगर आपने ऐसे ही कोई लोगो बनवाना है या अगर आपका यही थीम है तो फिर आप जब ये लिखोगी ना तो फिर ये सारा कैप्स में करने की कोई जरूरत नहीं है इसको चेंज करें आपने जो लोगो पे है ना आपका वो आप लिखो अगर वो ऐसे है तो वो फिर आपने ऐसे ही लिखना है ठीक है ताकि एक जैसी हारमोनी हो ये नहीं कि एक आप उसमें कर दो एक उसमें अच्छा मजे की बात है कि ये ऑलरेडी कैप्स में आ रहा है तो फिर यहाँ आपने स्टोर का नाम ना लिखे ठीक है कहीं और लिख लें फीचर प्रोडक्ट से लिख दो यहाँ पे बस थोड़ी सी छोटी छोटी सी गहराइयां है हैं बातों में वो कीजिएगा अगर आपके स्टोर का एक स्पेसिफिक स्टाइल है राइटिंग में के, बड़ा है कॉम स्टोर छोटा है तो वो आपका वो ही आना चाहिए अगर कहीं पे वो हैडिंग छोटी बड़ी नहीं करके दे रहा तो आप उसको उधर से रिमूव कर दो उधर लिखो ही नहीं अच्छा फीचर प्रोडक्ट्स हो गई फीचर प्रोडक्ट्स में अब आप आप आ जाओ तो यहाँ पर आपने इमेजेस लिए होंगे इनसे वो यहीं पर शो करा रहा है यहाँ पे बॉटम बैनर में ठीक है होम पे शो तो ये था ये है जी ये तो नहीं हम देख रहे हम ये देख रहे हैं आपने ये डाला ये डाला और ये डाला और इसके नीचे शॉप नाउ के ऑप्शन जो हैं वो हम देखते हैं अगेन ये तो ब्लैक ठीक ही लग रहे हैं क्योंकि ये सारा ब्लैक ही होगा और ये जो भी जुबान में लिखा है ये आप चेंज की कर ये आप चेंज कर, कैसे करेंगी जब आप कंपेटेटिव स्टडी करेंगी मैं आपको देती हूँ काम जरा ठहर गए आप अच्छा ये सोलह है तो आप इसको थोड़ा बड़ा छोटा करके देख लीजिएगा कि अगर ये क्लच थोड़ा बड़ा यहाँ पे देख लेते हैं अगर अगर आपको लगे बड़ा छोटा करना है तो आप कर लीजिएगा मुझे वैसे ये सारे छोटा ही लग रहा है थोड़ा बड़ा होना चाहिए ठीक है इसकी हेडिंग अच्छा जी उसके बाद डिस्क्रिप्शन का फॉन्ट भी छोटा है तो यहाँ शुक्र है ये हमें परमिशन दे रहे हैं यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा अगर चौदह करना हो चौदह कर लीजिएगा शॉप नो शॉप नो और शॉप नो अः शॉप नो शॉप नो शॉप नो तीनों शॉप नो अच्छे नहीं लगेंगे किसी को बाय वो आप कंपेटेटिव स्टडी करोगे तो फिर आपको पता चलेगा किसी का कुछ कर दो बाय नो किसी का कुछ और किसी का कुछ ठीक है और अगेन लिंक वही बात है कि जब हमारे पास क्लचिज होंगे तो हम कलेक्शन से उठा लेंगे चलो ये तो आपने अच्छा काम किया एक और बात इसका जो फीचर प्रोडक्ट्स है इसका जो शॉप नाव है अच्छा इसका बटन उधर से चेंज होना है। सही है ये ब्लैक कलर का आ रहा है ना आपने ये भी गौर करना है और ये ध्यान भी रखना है कि आपके सारे बटन अगर लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि आप चेंज करते हुए इसको चेंज कर दो ये ब्लैक की जगह आप किसी और कलर का कर दो तो फिर गौर की, कीजिएगा कि आप बाकी जो सॉलिड है ना उनके कलर भी उसी हिसाब से रखिएगा वो आपको पता है कैसे होते हैं वो यहाँ से जाके होंगे थीम सेटिंग में ठीक है वो मैं आपको दिखाती हूँ तो अब हम नीचे आ गए और हम आ गए क्लच पे शॉप नाउ पे यहाँ से बटन को चेंज नहीं करने की परमिशन दे रहा तो इस वजह से अब हम यहाँ से नहीं करेंगे वो हम कहीं और से करेंगे ठीक है अब ये क्या है जी ये है ब्रांड्स ब्लॉक ब्रांड्स ब्लॉक में क्या करना चाह रहा है वो हमारे साथ यहाँ से भी फोटोज ही ऐड होंगी तो ठीक है वो आप देख लीजिएगा जो भी आपको पसंद आए वो आप लॉरमोस में ऐड कर लीजिएगा में इस स्लाइडर में स्लाइडर आ और वो आपके हिसाब से बन जाएगा अब ये आ जाते हैं टैग एला ऑन इंस्टाग्राम तो अगेन वही बात के हैश टैग नहीं आएगा ये वो जब आप कंपेटेटर स्टडी करेंगी तो उस हिसाब से हो जाएगा टाइटल उसके बाद डिस्क्रिप्शन उसके नीचे आ रही है डिस्प्ले बटन इंस्टाग्राम हाँ जी यहाँ इंस्टाग्राम का बटन उन्होंने खुद ही दिया होगा तो ये अच्छी बात है यहाँ पर हम डायरेक्ट अपना इंस्टाग्राम यहाँ भी ऐड कर सकते हैं तो अगर नहीं करना तो उसको हम डिस्प्ले बटन से गायब कर सकते हैं ठीक है तो अभी इसको रहने देते हैं और डिस्प्ले बटन पे व्यू गैलरी और लिंक हमारी इंस्टाग्राम का यहाँ पे आ जाएगा ये अच्छा है ठीक है when get image user where do I find user ID access token limit the number वैसे अगर हम इसको रिमूव भी कर देना तो कुछ में कोई बुराई नहीं है इसकी वजह पता है क्या ये all of a sudden यहाँ पे Instagram को कर रहा है। इंस्टाग्राम को यानी वो कर रहा है जो जो कि हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं हैं वो नीचे हैं, तो यहाँ पर अलग-अलग से सोशल मीडिया करने की जरूरत नहीं लेकिन हाँ हम अगर चाहें तो हम कर भी सकते हैं मतलब ठीक है अगेन आपकी चॉइस ठीक है लेकिन वो यही बात है कि वो आप नंबर ऑफ इमेजेस पर रो और वो जो कुछ भी है वो डीटर ठीक है क्योंकि लिंक है तो वो यहाँ नहीं खुलेगा वो कह रहा है वो आपने डाला हुआ शायद ऊपर लिंक इंस्टाग्राम का और ये था जी फुटर जिसको आपने अपने हिसाब से सारे का सारा सेट कर दिया था और अब ये देख रही है यहाँ पर मोहम्मद अरसलान जी मेल डॉट कॉम टर्म्स ऑफ सर्विस के बीच में घुसा हुआ यहाँ पर नहीं घुसा हुआ यहाँ स्पेस ठीक है लेकिन यहाँ है तो अगर इससे कोई चीज़ आपको यहाँ नजर आए तो आप डायरेक्टली यहाँ जरूर चेक कर लीजिएगा ये ना मिक्स हो जाती है यहाँ पर इसके साथ फिक्स हो रहा है लेकिन ई के आगे ई मेल चाहिए इ मेल लिख के नीचे अगर आप लिख रहे हो तो इट डजेंट फील्स और गुड तो ये हो सकता है कि वो इसके साथ टकरा रहा है तो आप इसको थोड़ा नीचे ले आओ इसको नीचे कर दो इसको ऊपर कर दो या कुछ इस तरह से करके भी एड्रेस कर सकते हैं हम ठीक है अच्छा जी ये तो सारा कुछ आपने पढ़ ही लिया हुआ है और कर ही लिया हुआ है तो इसको भी फिलहाल हम नहीं करते ये फेसबुक के कोड्स आपने डाले हैं चैट बॉक्स में बताना ये जो इसने यहाँ फेसबुक लिंक कोड लाइक कोड दिया हुआ स्टे कनेक्टेड का स्टे कनेक्टेड दिया अच्छा उन्होंने दिया वही फेसबुक का मिया लिंक डाल सकते हैं अच्छा है ऑप्शन ये है ना कि यहां पे आप फेसबुक है तो फेसबुक का लाइक जो है उसका मिया कोड डाल सकते हैं ये इसका वोटर एड्रेस स्कूटर और सीए वाला अच्छा है अच्छा मैं आप समझिए इन्होंने खुद ही आपको जो पेमेंट मेथड है ना उसके हिसाब से आइकन बोले हुए हैं कि आप डालो सही है अदरवाइज ऐसे नहीं होता हम उसको पीछे से ऐड करते हैं ना जाके सेटिंग में तो वो ऑटोमेटिकली वो उसके जितने भी लोगोज है ना पेमेंट मेथड के वो डाल देता है पता नहीं इसमें ऐसा होगा या वे फिर के डाले होंगे क्योंकि तो देते इतने स्मार्ट है ये ये कहा गया न्यूज लेटर साइन वाला बॉक्स आप एक बात यहाँ और गौर करो ये पूरी वेबसाइट जो है ना वो कैपिटल में है ये होम रिव्यू कॉन्टेक्ट ठीक है ये लेकिन यहाँ हैंड के बाद ये जो कैप्स में है ना तो ये वाला हिस्सा कैप्स में नहीं है इसी तरह से ये कैप्स में ये कैप्स में नहीं है तो आपने यहाँ कस्टमर के इंफॉर्मेशन अबाउट अस ऐसे दिया हुआ तो ये आपने कैप्स में नहीं दिया हुआ तो दैट्स ओके okay, पर अगर आप एक दफा कोई कैप्स में लिख के ना जैसे कॉन्टेक्ट प्राइवेसी रिटर्न और एफ ए क्यूज को कैप्स में लिख के देखना कि कैसा लगता है जैसे लाइक आसोन फेसबुक तो अगेन सारा कैप्स में है ये न्यूज लेटर साइन अप भी कैप्स में है सब्सक्राइब भी कैप्स में है तो अगर यहाँ पे ये ये सारी इंफॉर्मेशन कैप्स में अच्छी लगती है तो फिर कैप्स में दे, दे देना अगर नहीं अच्छी लगेगी तो फिर आप चेंज कर देना ठीक है यहाँ तक हमने जो भी किया है वो आपको समझ आ गया ओके okay, अब हाँ आ जाते हैं जो मैं आपको एक बात बता रही थी कि वो हमें वहां ऑप्शन ही दे रहा चेंज करने का और वो था सॉलिड बटन जैसे कि ये वाला शॉप द बेस्ट ठीक है और शॉप द कलेक्शन व्यू गैलरी शॉप नाउ तो ये क्या करना है आपने अगेन सेक्शन के ऑप्शन से नीचे थीम सेटिंग थीम सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ बटन पे आ जाना है देखे वेलकम मल्टी लैंग्वेज सोशल मीडिया बैकग्राउंड जनरल बटन बटन डाले के बाद यहाँ पे आप देखो तो बटन बैकग्राउंड कलर क्या है ठीक है ये देखें ये हो गया अगेन वही बात अब आपने एक्सप्लोर करना है जब आप इसमें डिफरेंट डालोगे कलर्स तो उस हिसाब से चेंज होता जाएगा तो आपने मुनासब रीजनेबल बटन जो हैं अपनी पसंद से ऐड करने हैं ठीक हो गया इनके बॉर्डर भी हमने ये कलर कर दिया पहले बॉर्डर ब्लैक हुआ हुआ था इसके अंदर का टैक्स हम कर देते हैं रेड करके देखते हैं नॉट बैड ठीक है ब्लैक भी सही लग रहा ठीक है तो प्राइमरी बटन वो आ जाएंगे प्राइमरी बोला नहीं पता चलता कि क्या है। तो आप ये वाली वेबसाइट आप खोलें चेंज करके देखें आपको कोई ना कोई चेंज फील होगी उससे आपको आइडिया होगा कि अच्छा प्राइमरी बटन क्या है मे बी दीज आर द दटन ऑफ प्राइमरी बटन ठीक है वो हर किसी का टैग नेम डिफरेंट होता है तो यहाँ से आप सारी चीजों को देख सकती हैं बटन के कैटेगरी में जाके बाकी मैंने आपको जो पहले बताया था कल वो किधर गया ये भी आपके पास चेंज हो सकते हैं ठीक है ये देखें आपकी पूरी वेबसाइट के जो फ़ॉन्ट्स है ना वो इस लैंग्वेज में है जॉर्जिया में ठीक है तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकती हो ठीक है फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट का का भी नाम का, uh, sorry, ये जो है, है. Change, आपको ये ऑप्शन जो थीम सेटिंग है ना इसके अंदर जाकर आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती हैं जहां से आप चीजों को चेंज कर सकते हो बटन को चेंज कर सकते हो जनरल तो नहीं हमने नहीं करना uh... जनरल अभी अपना चेंज करना बटन हो गए जैसे कि और इसमें कलर थीम्स जैसे मैंने कल आपको बताया था फॉन्ट्स को देख लेना ठीक है कि वो कैसे लगेंगे कार्ड को अगर आपने देखना हुआ थोड़ा बहुत इनको एक्सप्लोर कीजिएगा कि आपको समझ आती है इसके अंदर से किस तरह से होता है ठीक है इमेज बॉर्डर देख रहे हो ये जो इमेज है इसका जो बॉर्डर है वो इस कलर में आ रहा है ठीक है ये देखो ये वाला बॉर्डर ये इसका भी बॉर्डर तो यहाँ से आप इसका भी चेंज कर सकती हो और ये सारी यहाँ पे रेशोज भी हैं इनको थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करके देखना ले फिर बाद में हम तो वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ही अभी आपको फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा गाइड किया ओके अब इतना काफी है अब आप आप मेरा तो शायद होप कर रही हो कि मैं आपको कलेक्शन डालना सिखाऊं है ना कलेक्शन डालना मुश्किल है मुश्किल इन द सेंस नहीं मीन्स कि टाइम लगेगा आपको सिखाने में भी तो मैं अभी, अभी आज कलेक्शन नहीं सिखाऊंगी अभी ये जो बाकी सारी चीजें हैं ना पेंडिंग जो मैंने आपको सिखाई है और जो मुझे आज लगा है कि काम में कमी है आप वो कंप्लीट करो कल आज और कल में बैठ के ठीक है मैं जरा एक सेकेंड के लिए वीडियो स्टॉप करूँ और आपसे फिर डिस्कशन कर लेंगे